हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो शेयर मार्केट का और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे यस बैंक की। दोस्तों, यस बैंक में मैं ऑलरेडी वीडियो मॉर्निंग में बना चुका हूं, लेकिन अभी की डेट में आज जो है 11 बज रहे हैं, तो अर्जेंट में वीडियो बना रहा हूं। तो दिस वीडियो इज अर्जेंट वीडियो, तो अर्जेंट में ही इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कहीं अपडेट में देरी ना हो जाए, इसलिए न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट है, राइट? आप गेस कीजिए कौन सी न्यूज हो सकती है। शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन ठीक है, आपको प्राइस में एक्शन तो मालूम होगा, आज की डेट में बढ़ा है, लेकिन क्या होने वाला है ये नहीं मालूम है न्यूज में। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, जैसे इस तरह की आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका मोटिवेशन बहुत जरूरी है। विदाउट आपके मोटिवेशन के मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, राइट? तो जो भी चैनल पे आते हैं प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की अपडेट मैं सबसे पहले आपको ला के दूंगा, बिल्कुल फ्रेश अपडेट, राइट? तो अभी आधे घंटे 20 मिनट पहले की अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों सीधे हम न्यूज पे आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर की कहानी बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट टू डायरेक्ट न्यूज पे आते हैं। देखिए दोस्तों, ये बीएससी की साइट है, BSC.com, राइट? आपको मालूम होगा बीएससी। तो अभी देखिए, ये बीएससी को, यस बैंक ने बीएससी को इन्फॉर्म किया है, देखिए 7/6, राइट, 7 जून दिन के 10:42, अभी 11:15 बजे हैं, तो बिफोर 20 मिनट्स में अपडेट किया है। तो मैं चेक करता रहता हूँ बराबर कि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं इस पे क्लिक कर दिया हूँ, राइट? क्लिक करके एक फाइल ओपन हुई है, ये फाइल ओपन हुई है जो मैं आपको ओपन कर दिया हूँ। आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये 7 जून आपको दिख रहा होगा, ये भी मालूम होगा आज की डेट 7 जून की है, राइट? तो पूरी चीज ये है कहानी, और मैं आपको सीधा इन्फॉर्म कर रहा हूँ। देखिए, नोटिस इज हियर बाई गिवन दैट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होने वाली है कब? थर्सडे जून 10, 2021। थर्सडे मतलब आज मंडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन बाद 10 जून को किस लिए हो रही है? अब ध्यान से पढ़िएगा, मास्टर स्ट्रोक मारा है। कंसीडर टू अप्रूव सिक्स शेयर होल्डर्स अप्रूवल फॉर बोरोइंग रेजिंग फंड्स इन इंडियन फॉरेन करेंसी बाई इश्यू ऑफ डेट सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड। दोस्तों ये फंड रेज करने जा रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज मत होना फंड रेज का नाम सुन के कि ये इक्विटी के थ्रू फंड रेज नहीं होगा, शेयर होल्डर के थ्रू फंड रेज नहीं होगा, कि हम जैसे शेयर होल्डर आपके जैसे इक्विटी रेज करके, ये डेप्ट के थ्रू रेज होगा जो इन्होंने बताया हुआ है, बोरोइंग रेजिंग फंड्स इंडियन करेंसी मार्केट इश्यू ऑफ डेप्ट सिक्योरिटीज नॉन कन्वेंशनल डिबेंचर मीडियम टर्म बॉन्ड। कहीं भी इक्विटी का नाम नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, ये QIP PIP का। दोस्तों मास्टर स्ट्रोक वाकई यस बैंक ने मारा है इतना तगड़ा कि जितने भी शेयर होल्डर हैं वो बच गए। आपको मालूम होगा कि अगर इक्विटी के थ्रू होता तो और भी जो है पैसा डाइल्यूट होता, पैसा डाइल्यूट होता मतलब इक्विटी डाइल्यूट होगी। अभी आपको मालूम है 2500 करोड़ रुपए का इक्विटी ऑलरेडी है, और आता तो कितना दिक्कत होता। तो अभी जो है ये देखिए, डेप्ट के थ्रू पैसा उठाया जा रहा है, ग्रोथ प्लान, और मास्टर स्ट्रोक मारा है एमडी ने, बोला था कि ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत सॉलिड है और इसलिए और पैसा चाहिए, तो जो है हम शेयर होल्डर जो भी हैं उसकी इक्विटी ना डाइल्यूट करके सीधा डेप्ट के थ्रू पैसा उठा रहे हैं। दोस्तों सीधा सीधा ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, 7 जून ये आपको दिख रहा होगा, सीधा डेप्ट के थ्रू रेजिंग ऑफ अप्रूवल ऑफ फंड्स 10 जून, सीधा डिबेंचर बॉन्ड्स डेप्ट, कहीं भी इक्विटी का नाम नहीं लिखा है। तो ये देखिए, यस बैंक के एमडी सीईओ ने जो है मास्टर स्ट्रोक मारा है। शेयर प्राइस की ज्यादा कहने वाली बात नहीं है, शेयर प्राइस आपको दिख ही रहा होगा, 14 रुपए 45 पैसे पे बहुत तगड़ा वॉल्यूम चल रहा है, इसमें खरीदारी बहुत सॉलिड में चल रही है। तो शेयर कहाँ तक जाएगा ये तो आपको 2-3 दिन में दिख जाएगा, बोलने वाली बात नहीं है, बट अभी थोड़ा सा हम वॉल्यूम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए 14 रुपए 55 पैसे, देखिए 7 जून 11:07 पे 14 रुपए 55 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, राइट? प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी 13 रुपए 75 पैसे की, ओपन हुआ 13 रुपए 85 पैसे का, हाई बनाया 14 रुपए 60 पैसे का, लो बनाया 13 रुपए 80 पैसे का। देखिए 3 करोड़ 61 लाख बायर लगे हुए हैं, सेलर थोड़ा ज्यादा, लेकिन सेलर में कोई डरने वाली बात नहीं है, ये अभी जब ऊपर की तरफ जाना शुरू करे तो भागेंगे यहाँ से छोड़ के, राइट? टोटल क्वांटिटी आज की डेट में ट्रेड हुई 18 करोड़, अभी 2 घंटे में 79 करोड़ की जो है, 79 लाख की डिलीवरी उठाई गई, और आप देखिए 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई, 18 करोड़, टोटल 43% की डिलीवरी उठाई गई है, राइट, अभी तक। तो दोस्तों ये वॉल्यूम बहुत तगड़ा वॉल्यूम है, अभी देखिए 2 घंटे में 18 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। क्यों? क्योंकि न्यूज इतनी सॉलिड है। फिर से मैं जो लोग वीडियो ज्वाइन किए हैं या बढ़ा के देख रहे हैं उनके लिए मैं फिर से बता दूं, देखिए यस बैंक ने बीएससी को इन्फॉर्म किया है कि इनकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है, राइट,
इनकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है। नोटिस ऑफ हियर बाई गिवन दैट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ यस बैंक जून 10, 2021, 10 जून को जो है बोर्ड मीटिंग होने वाली है। इंटर अलाया फंड रेज करने वाला है, राइट। तो ये जो फंड रेज करेंगे कौन कौन से माध्यम से, नंबर एक डेप्ट, नंबर दो नॉन कन्वर्चिबल डिबेंचर, राइट। डिबेंचर डेप्ट के थ्रू होता है, डिबेंचर के थ्रू होता है, बॉन्ड, बॉन्ड भी लिखा हुआ है, सीधा बॉन्ड के भी थ्रू इश्यू होगा। तो ये पूरा पैसा रेज करने जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि इक्विटी, नो इक्विटी, कोई इक्विटी डायलूट नहीं होगी, कोई इक्विटी के थ्रू पैसा रेज नहीं किया जाएगा, राइट। तो इक्विटी के थ्रू पैसा रेज नहीं किया जाएगा। तो जितने भी शेयर होल्डर हैं, राइट, अभी देखिए 2,500 करोड़ रुपए का शेयर ऑलरेडी अप्रूव है, ऑलरेडी है, और भी फंड रेज किया जाता है, देखिए इस प्राइस में 400-500 करोड़ और ज्यादा, तो और इक्विटी डायलूट हो जाती। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। इक्विटी का जितने भी शेयर होल्डर थे वो बच गए, और फाइनली ये डेप्ट के थ्रू जो है, डेप्ट के थ्रू पैसा रेज किया जा रहा है। सो मास्टर स्ट्रोक मार दिए हैं दोस्तों। देखिए, वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली टेक द अबव इंफॉर्मेशन ऑन द रिकॉर्ड, राइट। अब सीधा बोर्ड मीटिंग होने जा रही है, 8,000-10,000 करोड़ रुपए का फंड रेज होगा सीधा बॉन्ड के थ्रू, राइट। सीधा सीधा आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये पैसा बॉन्ड के थ्रू या डेप्ट के थ्रू इश्यू होगा, इक्विटी के थ्रू नहीं होगा, और इक्विटी का पैसा जो है बच जाएगा, पूरा साफ साफ बचे। इक्विटी मतलब कि शेयर जो डाइल्यूट हुए थे वो डाइल्यूशन से पूरी तरह बच जाएगा। तो साफ साफ ये दोस्तों खबर आ रही है अभी आज की डेट में, बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, और ये बहुत बड़ा एक गेम चेंजर साबित होगा आने वाले दिनों के लिए, राइट। इनके एमडीएसईओ ने ऑलरेडी बोला हुआ था, प्रशांत कुमार जी ने, कि 15% का जो ग्रोथ प्लान है उसके लिए तो पैसा है इनके पास। मतलब उसके अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखेगी कि 15% से ज्यादा का ग्रोथ हमको चाहिए, उसके लिए पैसा नहीं है तो फंड रेज करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों एक चीज और साफ हो गई कि ये 20% से 25% का ग्रोथ प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अब देखिए सेकेंड वेव भी खत्म होने को हो गई लगभग, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है सब जगह। अब ये मास्टर स्ट्रोक शुरू होने वाला है, और सीधा सीधा आने वाले दिनों में आपको एक बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। तो अब मेनली 8 से 10 हजार करोड़ रुपए अगर फंड उठाया गया तो एक ग्रोथ प्लान 20 से 25% के लिए बहुत ही उपयुक्त तो रहेगा, राइट। 25% का ग्रोथ अगर चलेगी तो आप सोच सकते हैं एक साल में शेयर प्राइस कहाँ जाएगा। रही बात अभी की डेट की शेयर की, तो देखिए अभी की डेट में आज करेंट में जो है 14 रुपए 45 पैसे पे शेयर ट्रेड कर रहा है, मॉर्निंग में जो है 13.70 रुपए ओपन हुआ, सीधा जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट थी, आप ध्यान रखिए। ये रिसेंट अपडेट में, रिसेंट मीन अभी आधे घंटे पहले आपको देना था, और दिस वीडियो इज वेरी अर्जेंट वीडियो, तो अर्जेंट में आपको अपडेट करना था। तो दोस्तों जो लोग चैनल प्लीज देखते, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मोटिवेट कीजिए, नहीं तो फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा प्लीज, और सबसे पहले मैं आपको वीडियो ला के दूंगा। थैंक यू।